हेलो किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल फार्मिंग में। तो सर, आप बटेर पालन कितने समय से कर रहे हो? सर ये बटेर फार्म मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ जी। बटेर पालन से पहले आप क्या करते थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर, बटेर फार्म से पहले मैं एक तो स्टडी करता था, उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने जो है ये पोल्ट्री फार्मिंग का काम चुना। मैं ये देसी ब्रीड पे भी काम करता हूँ, जैसे कि RIR, ब्लैक एक्सलोप, WFG, कड़कनाथ, और अपना बटेर का भी अपना काम है। बटेर पालन आप कितने समय से कर रहे हैं सर? ये बटेर फार्म मैं 2 साल से कर रहा हूँ पिछले। लगभग करंट की बात की जाए, आपने कितनी बटेर पाली हुई है सर? अभी मेरे पास 2000 का पेरेंट है। 2000 बटेर जी। तो बटेर पालन किस पर्पज से करते हो आप, अंडा पर्पज से या मीट पर्पज से सर? बटेर फार्म मेरा जो है वो एग पर्पज के लिए है। मैं तो जी एग पर्पज के लिए जी। तो बटेर पालन की जानकारी दीजिए सर, बटेर कितने दिन में अंडा देती है, कितने दिन में मार्केट के लिए तैयार हो जाती है, क्या इसका खर्चा आता है, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को? देखो, बटेर फार्म की अगर बात की जाए कि एक दिन से लेके आपका चूजा जो है वो 35 दिन में तैयार होगा जी, और 30 से 35 दिन में जब बच्चा तैयार हो रहा है उसके बॉडी वेट की बात की जाए तो बॉडी वेट उसका समथिंग ऐसा हो जाता है कि 150 से 200 ग्राम के बीच में उसको बॉडी वेट हो जाता है जी। जी, एक बटेर पे सर कितने रुपए का खर्चा आता है सर फीड का? यदि अगर एक बटेर की बात की जाए कि कितना खर्चा आता है, तो एक बटेर पे खर्चा लगाया मोटा मोटा तो 35 से 40 रुपए का एक बटेर का एक दिन से लेके तैयार होने तक, यानी कि 35 से 40 दिन तक खर्चा आ जाता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है सर? इसमें आप बच्चे का भी कॉस्ट लगा सकते हो, दाने की भी लगा सकते हो, फार्मर की भी लगा सकते हो, और जो फार्म में आपने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जैसे कि ब्रीडिंग होल बनाया हुआ है या हीट के लिए कोई टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है या भट्टी लगाई, जो भी वो सब आप 35 से 40 रुपए में कवर हो जाएगा। एक बटेर कितने रुपए का प्रॉफिट देखे जाती है? यदि अगर मार्केट की बात की जाए, मार्केट का तो देखो रोज की मंडी होती है, और दूसरी बात की जाए कि सेलिंग की, कितने रुपए में बटेर अपनी सेल हो जाती है, तो मिनिमम एक बटेर आपको समथिंग 50 से 55 रुपए की सेल हो जाएगी नॉर्मली। एक बटेर से लगभग 10 से 15 रुपए का मुनाफा कमा सकता है। एक बटेर से नॉर्मली 10 से 15 रुपए आराम से इजीली बचा सकते हैं जी। सर, ये जो हमने अभी देख सकते हो आप, हमने जाली लगाई हुई है, ये मुर्गा जाली है जी। ये मुर्गा जाली हमने इसमें लगाई हुई है, इसमें जो आप जैसे कि बाहर से कोई भी परिंदा है या कोई जानवर है अंदर, बाहर से अंदर नहीं जा सकता जी। और मैं इसमें जैसे कि बटेर फार्म है, इसकी बहुत बारीकी बारीकी मैं आपको बात बताने चाहता हूँ। जैसे कि कई फार्मों में आपने विजिट किया होगा, तो जो बटेर फार्म होता है ना उसमें जो यहाँ पे जगह होती है, देखो ऊपर देखो, आप दिखाओ किसान भाइयों को, ये देखो हमने बिल्कुल कवर किया हुआ है जी। इसमें कोई भी जानवर आपको बाहर से अंदर नहीं जा सकता, आपके बर्ड को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इजीली रह सकेगा बर्ड, तो हमने ये सब कवर किया है इसको जी। तो एक बार अंदर से और दिखाइए सर, आपका जो सेटअप है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें क्या क्या सावधानी बरती है सर, थोड़ा बताइए। सर, ये जो हमने स्ट्रक्चर अपना बनाया है, जो हमने पहला स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें हमने ये ग्रीन मैट का इस्तेमाल नहीं किया था जी, है ना। तो ये ग्रीन मैट का हमने इस्तेमाल इसमें किया है, जो ऊपर से हम फूस डालते हैं ना इसमें, तो वो फूस जो है ना वो दिखता है बाहर से जी। तो आप देख सकते हो कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो ये हमने पता ही नहीं लग रहा है कि ऊपर हमने क्या डाला हुआ है इसको जी। तो ये बहुत मतलब अच्छा लगता है इसके, हमने इसमें पहले बांस का प्रयोग किया हुआ है, फिर ग्रीन मैट लगाई हुई है आप देख सकते हो, फिर इसके ऊपर हमने पिन्नी लगाई है, उसके ऊपर फूस का प्रयोग किया है जी। और आपने लोहे के पोल भी लगाए हुए हैं? हाँ, लोहे के पोल लगाए हमने, बांस बल्ली ना लगा के लोहे के पोल लगाए हमने ताकि मजबूत लॉन्ग टाइम चले अपना फार्म। और आपने इसकी कितने इसकी 4 इंच की दीवार की हुई है सर? ये सर हमने 3.5 फीट की हमारी जो है ना ये दीवार है। धरती से कितनी ऊंची है सर ये दीवार? ये 3.5 फीट, यानी के इसमें हमने 3 रद्दे धरती के अंदर लिए हैं और 4 रद्दे ऊपर लिए हैं। 4 रद्दे ऊपर लिए हैं जी। तो सर, बटेर पालन जैसे आप कर रहे हो इतने समय से, यदि कोई नया किसान है, बटेर पालन में क्या क्या सावधानी रखे? यदि अगर कोई नया किसान बटेर फार्म करना चाहता है, तो ये बहुत ही कम बजट में बटेर फार्म स्टार्ट कर सकता है अपना बटेर फार्म, ये बहुत ही कम बजट में स्टार्ट हो जाता है इजीली। और बात की जाए इसके चूजे के प्राइस की, तो 10 रुपए का मुमकिन 10 रुपए का चूजा इसका मिल जाता है जी। एक बटेर सब एक दिन में कितना फीस आती है? ये बटेर समथिंग अगर बात की जाए दाने की, तो समथिंग 1 से 1.5 रुपए का पर बटेर का खर्चा आता है एक दिन पर डे का जी। और सर, इसमें बीमारी की बात की जाए, कौन कौन सी बीमारी आती है? यदि अगर बीमारी की बात की जाए, तो बटेर में कोई बीमारी ऐसी नहीं आती जैसे कि पोल्ट्री फार्म में अपनी CRD हुई या कोक्सीडियोसी हुई या जो भी अन्य बीमारी आती है, वो इसमें कोई बीमारी नहीं आती। बट हाँ, इतना है अगर कोई नया किसान है वो कैल्शियम मल्टीविटामिन मल्टीस्टार का इस्तेमाल करते रहे, तो इजीली आराम से अंडा आपको मिलता रहेगा, मीट के लिए बहुत ही जल्दी अपने वेट को गेन करेगी और जल्दी मार्केट के अंदर जाएगी। ब्रूडिंग आपने बताया, ब्रूडिंग
खर्चा में इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ब्रीडिंग में क्या टेम्परेचर होना चाहिए? देखिए ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो ब्रीडिंग जो होती है ना, ये काफी लोगों को परेशान करने वाला शब्द है ब्रीडिंग। क्यों शब्द है ब्रीडिंग ये परेशान करने वाला? क्योंकि बटेर के अंदर केवल, क्योंकि बटेर के अंदर 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर आपको देना होता है एक बर्ड में। ये जो बटेर का बर्ड है, क्योंकि छोटा चूजा होता है तो इसको कवर करने के लिए आपको टेम्परेचर देना होता है, और यही टेम्परेचर आपको समथिंग 8 दिन कम से कम देना होता है। टेम्परेचर किस किस चीज से दिया जा सकता है? यदि आप बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आप भट्टी से भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिक ब्रॉयलर से भी दे सकते हो, गैस ब्रॉयलर से भी दे सकते हो, और हीटर से भी दे सकते हो, या अन्य कई मार्केट में बहुत सी चीजें रखी हुई है जिससे आप अपने टेम्परेचर को पूरा कर सकते हो। आपको बस ये है कि बर्ड को नहीं पता कि आप किस चीज से टेम्परेचर दे रहे हो, बस बर्ड को चाहिए कि टेम्परेचर आपको देना है। लगभग सर कितने दिन बाद अंडा देने लगती है ये ब्रीड? बटेर की बात की जाए तो बटेर ये 45 दिन में अंडा दे देती है। जी 45 दिन में अंडा दे देती है। देखिए यदि अगर कोई नया किसान अपने काम को स्टार्ट करता है तो उसकी हम पूरी हेल्प करेंगे, उसको चूजा दे देंगे, और जब उसका माल सेल हो जाएगा माल सेल भी करा देंगे, उसको कई डीलरों का नंबर दे देंगे, इजीली माल भी सेल हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी। और अगर कोई नया किसान को चूजा चाहिए तो इजीली चूजा भी हम दे देंगे, और जब अंडा उसको हैचिंग के लिए अंडा तैयार करता है तो अंडा भी हम उसको खरीद लेंगे आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक बार नंबर और शेयर करिए सर। मेरा नंबर है 6397-5841-05। जी तो चलिए किसान दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।